गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th बायो के लिए टॉपिक अपना रहेगा थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी वंशागति और विविधता के सिद्धांत। ठीक है, और इसका पार्ट नंबर आज अपन पढ़ेंगे 13 नंबर, और सब्जेक्ट रहेगा अपना जूलॉजी। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन इन या डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी दो जीनों की वंशागति या द्विसंकर संकरण। आज का जो हमारा टॉपिक है या पॉइंट है वो क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन या डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी दो जीनों की वंशागति या द्विसंकर संकरण। ठीक है, तो देखिएगा द्विसंकर संकरण प्रयोग या दो जीनों की वंशागति का अध्ययन भी किसने किया था, मेंडल नामक वैज्ञानिक ने ही किया था, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किया था। अब देखिएगा द्विसंकर संकरण के अंदर, यानी मेंडल ने अपने दूसरे प्रयोग के अंदर दो जीनों की वंशागति का क्या किया, अध्ययन किया। ध्यान रखिएगा, मेंडल ने अपने दूसरे प्रयोग के अंदर दो जीनों की वंशागति का अध्ययन किया था, और इस प्रयोग को द्विसंकर संकरण भी कहा जाता है। द्विसंकर संकरण का तात्पर्य है ऐसा संकरण प्रयोग जिसके अंदर दो जोड़ी विप्रियाशी लक्षणों की वंशागति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, द्विसंकर संकरण का तात्पर्य है ऐसा संकरण प्रयोग जिसमें दो जोड़ी विप्रियाशी लक्षणों वाली दो जोड़ी विप्रियाशी लक्षणों की वंशागति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण कहा जाता है। अब देखिएगा, मेंडल ने अपने दूसरे प्रयोग के अंदर गोल तथा पीले, गोल को RR से शो करते हैं, पीले को YY कैपिटल Y से शो करते हैं, जूरीदार को स्मॉल RR से शो करते हैं, हरे को स्मॉल YY से शो करते हैं। तो देखिएगा, मेंडल ने अपने दूसरे प्रयोग के अंदर गोल तथा पीले बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पौधे के साथ करवाया। ध्यान रखिएगा, दूसरे प्रयोग के अंदर मेंडल ने क्या किया, गोल तथा पीले बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पौधे के साथ करवाया, तो उनको अपन पीढ़ी के अंदर जो पौधे प्राप्त हुए वो सारे के सारे कौन से थे, गोल और पीले बीज वाले प्राप्त हुए। अपन पीढ़ी के अंदर कौन से पौधे प्राप्त हुए, गोल और पीले बीज वाले प्राप्त हुए। इस आधार पर मेंडल ने कहा कि अपन पीढ़ी के अंदर गोल तथा पीला क्या था, प्रभावी था, यानी गोल और पीलेपन का जो कारक था, यानी जो जीन था वो क्या था, प्रभावी था, और जो हरा और इसके अलावा झुर्रीदार था वो क्या था, अप्रभावी था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उन्होंने क्या किया कि इस गोल जो अपन पीढ़ी के अंदर जो उसको गोल और पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए उनका सेल्फ पोलिनेशन यानी स्व परागण होने दिया। क्या होने दिया, सेल्फ पोलिनेशन यानी स्व परागण होने दिया। फिर उन्होंने देखा कि अप टू पीढ़ी के अंदर ये सारी की सारी कौन सी है, अप टू जनरेशन यानी अप टू पीढ़ी। तो इन्होंने क्या देखा कि अप टू पीढ़ी के अंदर जो संतति प्राप्त होती है या फिर जो पौधे प्राप्त होते हैं वो जनक से भिन्न लक्षणों वाले प्राप्त होते हैं। इधर आपको अपन पीढ़ी की जो संति थी वो गोल और पीले बीज वाली प्राप्त हुई थी, लेकिन जब इनका सेल्फ पोलिनेशन यानी स्व परागण होने दिया
तो जो एक्टिव पीढ़ी के अंदर जो आपको संतति प्राप्त होती है वो जनकों से भिन्न लक्षणों वाले क्या होती है, प्राप्त होती है। सेल्फ पोलिनेशन होने दिया तो आप इधर देखिए कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई, इधर भी कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई बने, ठीक है। इधर कैपिटल आर का किसके साथ करवाएंगे, कैपिटल वाई के साथ साथ, तो एक गेमेट सुना कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर का स्मॉल वाई के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, या फिर इस प्रकार भी लिख सकते हो, इस कैपिटल आर का अपन किसके साथ करवाएंगे, कैपिटल वाई के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसका स्मॉल वाई के साथ करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसका स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ करवाएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेगा। ऐसे ही इधर करना है तो सेम इधर जो गेमेट्स बने हैं वो भी वही गेमेट्स कहाँ बनेंगे, इधर बनेंगे। जो क्षैतिज पंक्ति इधर शो कर रही है वो मेल को शो कर रही है और जो खड़ी पंक्ति आपको दिखाई दे रही है वो मादा को शो कर रही है, ठीक है। आप देखिएगा यदि अपन कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस किसके साथ करवाएं, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ करवाएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई, यानी गोल और पीला प्राप्त होगा, ठीक है। इसी के बाद अपन करवाएंगे किसका, कैपिटल आर कैपिटल वाई का कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ करवाया कैपिटल आर आर, फिर कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ करवाया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी क्या प्राप्त हुआ अपन को, गोल पीला। फिर इस कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ करवाती है तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, फिर इस कैपिटल वाई का कैपिटल वाई के साथ करवाती है तो कैपिटल वाई वाई आ गया, तो गोल और पीला अपन को प्राप्त हुआ। फिर इस कैपिटल आर कैपिटल वाई का स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ करवाते हैं, कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इस कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ करवाया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी गोल पीले बीज वाला पौधा प्राप्त हुआ। फिर सेम यही कंडीशन कैपिटल आर स्मॉल वाई का किसके साथ करवाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ करवाया तो क्या हो गया, कैपिटल आर आर, फिर स्मॉल वाई का कैपिटल वाई के साथ करवाया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी गोल पीला प्राप्त हुआ। फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई का कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ करवाते हैं, कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ तो क्या हुआ, कैपिटल आर आर प्राप्त हुआ। फिर स्मॉल वाई का स्मॉल वाई के साथ करवाया तो अपन को स्मॉल वाई वाई प्राप्त हुआ, यानी क्या प्राप्त हुआ, गोल हरा। अब देखिएगा इस कैपिटल आर स्मॉल वाई का स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ करवाते हैं तो कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ करवाया तो क्या प्राप्त हुआ अपन को, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई का कैपिटल वाई के साथ करवाया तो क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी गोल पीला प्राप्त हुआ। फिर देखिएगा इस कैपिटल आर स्मॉल वाई का किसके साथ करवाते हैं, स्मॉल वाई के साथ, ठीक है। तो कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, फिर इधर स्मॉल वाई का स्मॉल वाई के साथ करवाया तो स्मॉल वाई यानी गोल हरा प्राप्त हुआ। फिर यही कंडीशन इसके साथ रखी जाए, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई का कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ करवाते हैं, स्मॉल आर का कैपिटल आर के साथ करवाया तो क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर फिर कैपिटल वाई का कैपिटल वाई के साथ करवाया इधर ये क्या होगा, कैपिटल आर इसके साथ करवाएंगे कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ तो अपन को क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर आर, फिर इस स्मॉल वाई का स्मॉल वाई के साथ करवाएंगे तो स्मॉल वाई वाई यानी गोल हरा प्राप्त होगा। फिर इसका कैपिटल आर इस कैपिटल आर स्मॉल वाई का स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ करवाएंगे, कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ हुआ तो क्या आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इस स्मॉल वाई का कैपिटल वाई के साथ हुआ तो क्या आ गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी गोल पीला। सेम यही कंडीशन इसके साथ रखी जाए, कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इधर स्मॉल वाई का स्मॉल वाई के साथ करवाएंगे तो अपन को क्या प्राप्त होगा, स्मॉल वाई वाई, तो गोल हरा प्राप्त होगा।
फिर यही कंडीशन इसके साथ रखी जाएगी, कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर आ गया, फिर इस कैपिटल आर और कैपिटल आर कैपिटल वाई का स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ करवाते हैं, इधर स्मॉल वाई आएगा, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई का स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ करवाते हैं तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई का कैपिटल वाई के साथ करवाया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी गोल पीला, ठीक है, यही कंडीशन इसके साथ रखी जाए, कैपिटल आर का स्मॉल आर के साथ करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर वाई स्मॉल वाई का स्मॉल वाई के साथ करवाया तो इधर अपन को क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल वाई वाई यानी गोल एक सेकंड रुकिएगा, अब देखिएगा स्मॉल आर का कैपिटल आर के साथ करवाया, दोबारा से स्मॉल आर का कैपिटल आर के साथ करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हो गया, इधर अपन ने कैपिटल वाई का कैपिटल वाई के साथ करवाया, कैपिटल वाई का अपन ने किसके साथ करवाया, कैपिटल वाई के साथ, ठीक है, कैपिटल वाई का कैपिटल वाई के साथ करवाया तो कैपिटल वाई वाई अपन को प्राप्त हुआ यानी गोल पीला, फिर इधर स्मॉल आर का कैपिटल आर के साथ करवाया कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ करवाया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई गोल पीला, फिर इधर स्मॉल आर का स्मॉल आर के साथ करवाया तो स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई का कैपिटल वाई के साथ करवाया कैपिटल वाई वाई यानी जुड़ीदार पीला, फिर सेम यही कंडीशन इसके साथ स्मॉल आर का स्मॉल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई का स्मॉल वाई के साथ करवाया तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी जुड़ीदार पीला, फिर सेम कंडीशन इसी के साथ स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ करवाते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई का कैपिटल वाई के साथ करवाते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी गोल पीला, फिर कैपिटल आर का कैपिटल आर के साथ करवाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई का स्मॉल वाई के साथ करवाते हैं तो स्मॉल वाई यानी गोल हरा, सेम यही कंडीशन इसके साथ इसका फिर इसका संकरण करवाएंगे, स्मॉल आर का स्मॉल आर के साथ क्या प्राप्त हुआ स्मॉल आर, स्मॉल वाई का कैपिटल वाई के साथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी जुड़ीदार पीला, ठीक है, अब स्मॉल वाई का स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ करवाएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई यानी जुड़ीदार हरा, अब अपन देखते हैं इसका जीनोटाइप सॉरी फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप अनुपात आप देखिएगा आपको गोल पीले कितने प्राप्त हो रहे हैं, कौन से गोल पीले, आपको गोल पीले इसके अंदर 9 प्राप्त होंगे, 9 कौन से होंगे गोल पीले, ठीक है, 9 कौन से प्राप्त होंगे गोल पीले और 3 आपको प्राप्त होंगे गोल हरे, गोल हरे और 1 आपको प्राप्त होगा जुड़ीदार पीला या फिर जुड़ीदार, गोल पीले कितने प्राप्त हो रहे हैं आपको 9, इसके अंदर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गोल पीले कितने प्राप्त हो रहे हैं आपको 9, गोल हरे देखिएगा 3 गोल हरे, गोल हरे इधर गोल हरा 1, फिर गोल हरा 2, फिर गोल हरा 3, अपन को गोल हरे कितने प्राप्त हो रहे हैं 3, अब जुड़ीदार हरा देखिए जुड़ीदार हरा आपको 1 ही प्राप्त हो रहा है, जुड़ीदार हरा कितना प्राप्त हो रहा है आपको 1, तो इसका अनुपात कितना हुआ,
देखिएगा, अब देखिएगा आपको गोल पीले इसके अंदर 9 प्राप्त हो रही है, ठीक है। जुड़ीदार पीले कितने प्राप्त हो रहे हैं? 3, और गोल हरे 3 प्राप्त हो रहे हैं। जुड़ीदार हरा आपको 1 ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसका फिनोटाइप हो गया 93:31, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, जीनोटाइप अनुपात की। आगे बात करते हैं इसके जीनोटाइप अनुपात की, जीनोटाइप अनुपात की। वैसे तो आपको पता है कि जीनोटाइप होता क्या है, इसका द्विसंकर संकरण होता है, इसका जीनोटाइप मैंने पहले बता दिया था आपको, 122 412 121। अब देखिएगा आपको कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई यानी समयुग्मजी गोल समयुग्मजी पीले 1 प्राप्त हो रहे, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई ये रहा 1 ही प्राप्त हो रहा है आपको, देख लीजिएगा और किधर भी नहीं है, ठीक है। फिर देखिएगा कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई वाई विषमयुग्मजी गोल समयुग्मजी पीला, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और फिर क्या है कैपिटल वाई वाई, ये कैपिटल वाई वाई गोल विषमयुग्मजी क्या है गोल और समयुग्मजी क्या है पीला। फिर देखिएगा आपको कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी समयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीले कितने प्राप्त हो रहे हैं? 2, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी गोल पीला जो समयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीला 1, और इसके अलावा आपको दूसरा कहाँ प्राप्त हो रहा है कैपिटल आर आर ये रहा समयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीला कितने प्राप्त हो रहे हैं आपको? 2। फिर इधर कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपको 2 प्राप्त हो रही है, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाई कितने प्राप्त हो रहे हैं? विषमयुग्मजी गोल और पीले आपको 2 प्राप्त हो रहे हैं, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर स्मॉल आर इधर भी होगा 1, ठीक है, ये आपको 2 प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको बता दिया कि कैपिटल आर कैपिटल वाई वाई 1 और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई आपको 2 प्राप्त हो रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपको 2 प्राप्त हो रहे हैं, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी विषमयुग्मजी गोल और विषमयुग्मजी पीले आपको 4 प्राप्त होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये रहा 1 और 2 2 3 और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई इधर ही कैपिटल आर ये आपको 4 प्राप्त होंगे, ठीक है। कितने प्राप्त होंगे? 4। ये आपको कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1 2 3 4 प्राप्त हो रहे हैं। इधर ऐसे ही समयुग्मजी दूरीदार और समयुग्मजी पीले 1 प्राप्त होंगे, स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई ये रहा, ठीक है, 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपको स्मॉल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपको कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होंगे, स्मॉल आर आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक इधर ये, ये रहा एक और एक, कितने हो गए दो, दो प्राप्त होंगे। कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई कितने प्राप्त होंगे आपको, एक कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई, इधर देखिएगा कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई ये रहा एक प्राप्त होगा आपको, ठीक है। और इधर कैपिटल आर स्मॉल वार स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर ये रहा बोल हरा आपको एक, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई एक, और इधर दो, एक ये रहा एक ये रहा, कितने प्राप्त हो रहे हैं आपको दो। इधर स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई भी आपको एक प्राप्त होगा, इधर ये रहा स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई क्या है एक प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इसका जीनोटाइप 122 412 121 अपन को क्या होता है प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका जीनोटाइप फिनोटाइप आसानी से निकाल सकते। थोड़ा सा इस चेकर बोर्ड को या पुनेट स्क्वायर मेथड को आसानी धीरे मतलब पूरे ध्यान से समझना बिल्कुल आसान है, एक बार समझ जाओगे तो दोबारा इसको समझने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इसको बना दोगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।